पूर्व सीएम दिग्विजय के बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कहा कि अभी उनका बयान सुना नहीं है, लेकिन दिग्विजय जो भी बयान देते हैं पूरे तथ्यों के साथ देते हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी मुद्दों से भटक गई है। सलूजा ने कमलनाथ के बकवास वाले बयान पर भी सफाई दी है। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर अपने एक बयान से सियासी रंग चढ़ा दिया है। जहां बीजेपी ने उनके बयान को लेकर तरह तरह के आरोप लगाए हैं, वहीं कांग्रेस ने इसे दिग्विजय सिंह का निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कहा कि अभी उनका बयान सुना नहीं है, लेकिन दिग्विजय जो भी बयान देते हैं पूरे तथ्यों के साथ देते हैं। उन्होंने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि रामेश्वर शर्मा हमेशा अपनी पार्टी को मुसीबत में डालते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का पूरा बयान अभी हमने सुना नहीं, सोशल मीडिया पे देखा है, उसको पूरा सुन लें, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, किन तथ्यों के साथ कहा है, पूरा एग्जैक्ट बयान का, उसके बाद ही टिप्पणी कर सकेंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया पे बात सामने आ रही है उसको ही देखा है हमने, और जहाँ तक हमारा मानना है कि दिग्विजय सिंह जी जो भी बात करते हैं वो तथ्यों के साथ करते हैं, प्रमाण के साथ करते हैं। यदि उन्होंने कुछ कहा होगा तो उनके पास उसके तथ्य होंगे, प्रमाण होंगे, लेकिन उनका निजी विचार है। कांग्रेस ना कभी किसी धर्म के व्यक्ति को कोसने का काम करती है, ना हम मुसलमान को कोसते हैं, ना हम हिंदू को कोसते हैं, हम तो सिर्फ दंगाई को कोसने वाली पार्टी है। हम तो जो भी इस तरह का सांप्रदायिक माहौल खराब करते हो, किसी भी धर्म का हो, हम तो उसको कोसने का काम करते, हम किसी को भी धर्म आधार पर नहीं कोसने का काम करते। दंगाई का वैसे भी कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। हाँ, उनका पूरा बयान देख लें और उसमें उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वो टिप्पणी करना उचित होगा। लेकिन रामेश्वर शर्मा का ट्वीट जरूर देखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अंसार जिहादी था, अंसार BMW में घूमता है। तो रामेश्वर शर्मा सदैव अपनी पार्टी को मुसीबत में डालते हैं, कभी सिंधी समाज का अपमान करते हैं, कभी राजपूत समाज का अपमान करते हैं, कभी चीते के साथ फोटो लगा देते हैं अमित शाह की और बाद में हटा देते हैं। अब उन्होंने अंसार के बारे में टिप्पणी की, तो अंसार के बारे में तो पूरे देश को पता है कि वो भाजपा ही था, उसके भाजपा के साथ भाजपा की टोपी लगाए, भाजपा के झंडा लगाए, गले में भाजपा का दुपट्टा डाले, भाजपा नेताओं के साथ जनसंपर्क करते हुए फोटो वायरल हो चुके हैं। तो एक बार लगता है रामेश्वर शर्मा फिर अपनी पार्टी को घेर रहे और अपनी पार्टी को मुश्किलों में डाल रहे हैं। वही मीडिया समन्वयक सलूजा ने पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान के बचाव में आते हुए कहा कि कमलनाथ जी ने एक इंटरव्यू के दौरान बीजेपी की बकवास शब्द का इस्तेमाल किया था, विधानसभा की कार्यवाही या जनप्रतिनिधियों को लेकर नहीं कहा, भाजपा उसका गलत इस्तेमाल कर बदनाम कर रही है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा के सदस्य भी नहीं है और उनको अधिकार भी नहीं, और मैं तो उनके अल्प ज्ञान पे हंसी आती है। पहली बार के सांसद बने, नए नवेले, किस्मत अच्छी बन गए, अब ज्ञान ही नहीं है। अब कह रहे कमलनाथ जी का जो बयान है उसके ऊपर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख दिया। कमलनाथ जी के जिस बयान को आधार बना रहे वो एक साक्षात्कार में दिया बयान है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष का कार्यक्षेत्र विधानसभा सदन होता है। अब सदन के अंदर कही गई बात नहीं है, बाहर कही हुई बात है, उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं, तो कैसे सलाहकार पान लिए जिनको इतना भी ज्ञान नहीं। और खुद वीडी शर्मा जी को तो इतना ज्ञान होना चाहिए कि ये सदन के बाहर की बात है, विधानसभा अध्यक्ष के कार्यक्षेत्र की बात नहीं। यदि ऐसे ही होता तो सचिन बिड़ला का क्या तर्क है कि उन्होंने आवेदन खारिज किया कि सचिन बिड़ला ने भाजपा के मंच पर किया, वो सदन के बाहर कार्यक्षेत्र का मामला नहीं है उनका, तो ऐसे ही उनके कार्यक्षेत्र का मामला नहीं। और कमलनाथ जी ने वैसे भी बकवास जो कहा है वो भाजपा को कहा है कि भाजपा की बकवास नहीं सुनना। उनने ना सदन का जिक्र किया, ना सदन को बकवास कहा है, ना किसी विधायक सांसद का अपमान किया, ना संसदीय परंपरा या मान्यताओं का अपमान किया, ना मर्यादा का अपमान किया। अब इसके अंदर भाजपा की बकवास, सही बात है, भाजपा की बकवास कौन सोचेगा, कौन सुनेगा? यदि कोई झूठ भाजपा परोसेगी तो कौन सुनेगा? तो उन्होंने भाजपा को कोसा, इसमें सदन कहाँ से आ गया, परंपरा कहाँ से आ गई, मर्यादा कहाँ से आ गई, यह तो वीडी शर्मा ही बता सकेंगे। अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अब सदन के नेता बनने का ख्वाब देखते हैं, सीएम इन वेटिंग में लगे हुए कुर्सी में, सपने आते हैं, तो जो काम सदन के लोगों को करना चाहिए जिस सदन के वो सदस्य भी नहीं है वो करने चले। बता दें कि 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और लगातार अब सूबे की सियासत में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।